राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को उनके चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित करना होगा। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा सरकार वापस नहीं ले सकती। ये दोनों कथन कोर्ट के हैं और दोनों बेहद अहम। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल उम्मीदवार का ऐलान करता है तो 48 घंटे के भीतर उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करना होगा। वहीं दूसरा कथन सरकारों को लेकर है, जो एमपी एमएलए के खिलाफ मुकदमों को वापस ले लेती थी। कोर्ट दागी नेताओं के खिलाफ सख्ती दिखा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि देश की सियासत में राजनेता और अपराध का चोली दामन का साथ है। देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की धुली नहीं है। ऐसी कोई पार्टी ही नहीं है जो पूरी तरीके से अपराध मुक्त छवि की हो। तो आज के शो में दागी नेताओं की बात होगी कोर्ट की टिप्पणी की कि आखिर कोर्ट को सख्ती क्यों दिखानी पड़ी। साथ ही बात होगी दागी नेताओं की, कौन सी पार्टी में कितने नेता दागी हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डेली बस शो। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे दिन हलचल में रही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिशन कश्मीर के लिए निकले हुए हैं। कांग्रेस की बढ़त बनाने के लिए राहुल निकल पड़े हैं। राहुल मंदिर भी गए, दरगाह भी गए, साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की वकालत भी की। और तो और, राहुल ने यह भी कहा कि वो भी कश्मीरी पंडित हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राहुल का पहला घाटी दौरा है। कल राहुल श्रीनगर पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे की शादी में हिस्सा लिया था। राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। राहुल ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पर सीधा हमला हो रहा है, जबकि बाकी देश परोक्ष रूप से उसी हमले की चपेट में है। राहुल ने कहा कि जब हम सरकार में थे तो देश के बाकी हिस्सों के साथ कश्मीर के लोगों को भी साथ लाए थे, हमने प्यार से सब कुछ आजमाया। राहुल ने कहा कि हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे जो देश को बांटना चाहती है। राहुल ने जम्मू कश्मीर के लोगों से यह भी कहा कि मैं भले ही यहां नहीं रहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को समझता हूं। मेरे पुरखों को झेलम से पानी जरूर मिला होगा, आपके रीति रिवाज और आपकी संस्कृति भी मेरे साथ है। मुझे लगता है कि जब मैं कश्मीर आता हूं तो अपने घर आ जाता हूं। राहुल कश्मीरियत का कार्ड खेलते दिखाई दे रहे हैं। राहुल खुद को कश्मीरी पंडित कह रहे हैं, पर उन्हें ये कार्ड कितना फायदा पहुंचाएगा ये तो चुनाव ही बताएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने यूपी के महोबा से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ करते नजर आए। पीएम मोदी ने इस दौरान लाभार्थियों से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के साथ भारत में पीएनजी कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार की कोशिश इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस पाइप से आए। ये गैस सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना को लेकर कहा कि बहनों के स्वास्थ्य सुविधा सशक्तिकरण के संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। इस योजना से 8 करोड़ गरीब दलित वंचित पिछड़े आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान दिए गए। ओलंपिक को लेकर भी पीएम मोदी ने मंत्र दिया। पीएम ने ओलंपिक खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कहा कि भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी ने एक बार फिर से बाजी मारी है और वो बाजी चंदा को लेकर है। चुनाव आयोग ने एक डेटा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि साल 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 3,355 करोड़ का चंदा राजनीतिक पार्टियों को मिला, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2,555 करोड़ आए हैं। अब अगर ये हिसाब लगाया जाए तो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बॉन्ड के जरिए चंदे में बीजेपी की झोली में 75% का इजाफा हुआ है। साल 2018-19 में बीजेपी को बॉन्ड के जरिए 1,450 करोड़ का चंदा मिला था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। बीते साल के मुकाबले कांग्रेस के चंदे में 17% की गिरावट देखने को मिली। 2018-19 में कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 383 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि इस बार यानी कि 2019-20 में उन्हें 318 करोड़ का चंदा मिला। यानी चुनावी बॉन्ड से चंदे में कांग्रेस की हिस्सेदारी में 9% की गिरावट देखने को मिली। अब आपके जहन में सवाल आना जायज है कि बाकी पार्टियों का क्या हाल है, यानी बाकी पार्टियों को कितना पैसा मिला, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 100.46 करोड़, शरद पवार की एनसीपी को 29.25 करोड़, शिवसेना को 41 करोड़, डीएमके को 45 करोड़, लालू की आरजेडी को 2.5 करोड़, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 18 करोड़ रुपए का चंदा मिला। बीजेपी की आय उसके 5 मुख्य प्रतिद्वंदियों की तुलना में दोगुने से ज्यादा है। अकेले बीजेपी ने मार्च 2020 तक 68% इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे हैं। हालांकि बॉन्ड आने से बहुत पहले से बीजेपी को ज्यादा चंदा मिलता रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। अब ये बॉन्ड क्या बला है, तो इतना समझिए कि बॉन्ड लाने का मकसद था कि चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाना। साल 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई थी।
इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। ये बॉन्ड देश भर में चुनिंदा बैंकों में होते हैं। चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम को गोपनीय रखा जाता है, यानी आप ये नहीं जान सकते कि फला पार्टी को कितना पैसा मिला। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को उनके चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित करना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी उम्मीदवार का चयन करती है तो 48 घंटे के भीतर उम्मीदवार के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देनी होगी। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी 2020 के फैसले को संशोधित किया। फैसले में कहा गया कि या तो 48 घंटे के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित हो या फिर नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम 2 हफ्ते पहले, यानी दोनों में जो पहले आएगा उस हिसाब से प्रकाशित करना होगा। आपको बता दें कि पीठ नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने में विफलता का आरोप लगाने वाली याचिका पर अपना फैसला सुना रही थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान न्यायालय के फैसले को नहीं माना गया था। कोर्ट ने माना कि केंद्र और राज्य चुनाव स्तर पर राजनीतिक दलों के लिए ये जरूरी होगा कि वो लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें, जिसमें ये बताया जाए कि उम्मीदवार पर कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। वहीं इसके साथ ही उम्मीदवारों का विवरण फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2021 को बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी, राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष जगनानंद सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अब्दुल खालिक, कांग्रेस पार्टी नेता सुरजेवाला और बीजेपी के बीएम संतोष को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा के लिए निर्धारित मतदान की घोषणा के बाद बिहार के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने 7 अक्टूबर 2020 से अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को एक विशेष समाचार पत्र में प्रकाशित करना शुरू कर दिया था, जो कि व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र नहीं है। तो कोर्ट बार बार कह रहा है कि आपराधिक मामलों को जनता के सामने लाया जाए, लेकिन ऐसा धरातल पर होना दिखता तो नहीं है। वहीं कोर्ट ने एक और अहम फैसला दिया। नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस राज्य सरकारें अब मनमाने तरीके से वापस नहीं ले सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार वर्तमान या फिर पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक केस बिना हाईकोर्ट की मंजूरी के वापस नहीं ले सकती है। सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों के तेज निपटारे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट ने 2016 से लंबित मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से ब्यौरा मांगा था। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो हर राज्य में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट बनाने के लिए फंड जारी करे। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मामले की सुनवाई हुई थी, तब से लेकर अब तक केंद्र ने कोर्ट के सवालों का विस्तृत जवाब दाखिल नहीं किया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 25 अगस्त को दी है। मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने बताया था कि देश भर में वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ 4,800 से ज्यादा केस लंबित हैं। हंसारिया ने कोर्ट को यह भी बताया था कि यूपी सरकार मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी संगीत सोम, सुरेश राणा समेत कुछ अन्य के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की कवायद कर रही है। जजों ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत राज्यों को मिली शक्ति के दुरुपयोग पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों के मुकदमा वापस लेने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति ले। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से फिलहाल जनप्रतिनिधियों के मुकदमे सुन रहे निचली अदालतों के जजों की लिस्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इन जजों को उनके पद पर बने रहने दिया जाए। यह आदेश रिटायर्ड जजों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी भी जज को दूसरे पद पर भेजना बहुत जरूरी हो तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार पहले उसकी अनुमति लें। चले लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी धुली हुई है, यानी किसमें कितने आपराधिक लोग हैं। देश में राजनीतिक नेताओं और अपराध का साथ हमेशा चोली दामन कर रहा है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि राज्यसभा और लोकसभा में अगर कुल नेताओं की संख्या को मिला दे तो तकरीबन 30% सांसद दागी है, और तो और इन 30% में 17% ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा में 542 सांसदों में से 179 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कुल संख्या का 33% है। वहीं 114 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक उसी तरह राज्यसभा के 228 सांसदों में से 51 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं 20 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस तरह से दोनों सदन के सांसदों को मिलाकर देखें तो 770 सांसदों में से 230 दागी हैं, जो पूरी संख्या का 30% है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे इतने सांसद दागी हैं तो लोकतंत्र कैसे सही होगा,
और आपके जहन में सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर कौन सी पार्टी में कितने नेताओं के दामन पर दाग लगा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस की तुलना की जाए तो दागी सांसदों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे है। बीजेपी में करीब 32% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, तो वहीं कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ 15% आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी बीजेपी कांग्रेस से इस मामले में दोगुनी आगे है। बीजेपी के 107 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 64 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस के 15 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले और 8 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की तुलना करें तो बीजेपी के जहां 32% सांसद दागी हैं, वहीं कांग्रेस के 15%। शिवसेना के 18 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, हत्या बलात्कार जैसे संगीन मामले 10 के खिलाफ हैं। अगर फीसदी में बात की जाए तो शिवसेना के 86% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट यह भी कहती है कि एआईएडीएमके के 10 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, राजद के 7 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 7 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। टीडीपी के 7 सांसदों के खिलाफ आपराधिक और 1 के खिलाफ संगीन अपराध का मामला दर्ज है। एनसीपी के 6 सांसद दागी हैं, 5 के खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 4 सांसद के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 3 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं 1 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामला दर्ज है। आम आदमी पार्टी भी दागी नेताओं से परे नहीं है। आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनमें से 1 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामला भी दर्ज है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 2 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं 1 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामला भी है। मायावती की पार्टी बसपा भी अछूती नहीं है। बसपा के 4 सांसदों में से 1 के खिलाफ आपराधिक और 1 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं अगर राजनीतिक पार्टियों के विधायकों के खिलाफ भी आपराधिक मामलों की पड़ताल करें तो पाएंगे कि बीजेपी के 1451 विधायकों में से 31% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस के 773 में से 26% विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में राज्यभर सांसदों और विधायकों की बात करें तो इनमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है। महाराष्ट्र के 12 सांसदों विधायकों के ऊपर महिलाओं से संबंधित अपराध के मामले दर्ज हैं। वहीं बिहार में महज 2 सांसदों के ऊपर मामले दर्ज हैं। अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पार्टी वाइज देखें तो इसमें भी बीजेपी आगे है। बीजेपी के करीब 12 सांसदों के खिलाफ महिलाओं से संबंधित मामलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस के 4 सांसदों का नाम इसमें शामिल है। हेट स्पीच यानी कि भड़काऊ भाषण के आंकड़ों पर भी अगर गौर करें तो इसमें बीजेपी शीर्ष पर काबिज है। बीजेपी के 27 सांसदों के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर मामला दर्ज है। वहीं कांग्रेस के 2 सांसदों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। भड़काऊ भाषण के अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी के 15 सांसदों के खिलाफ भड़काऊ भाषण का केस चल रहा है। इस मामले में तेलंगाना दूसरे स्थान पर है। यहाँ 13 नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज है। अपहरण की बात करें तो बीजेपी के सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले ही आगे हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद विधायकों पर अपहरण से संबंधित मामले दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस के 6 सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी के 19 सांसदों विधायकों के खिलाफ मर्डर के केस दर्ज हैं। कांग्रेस के 6 सांसदों के खिलाफ मर्डर के मामले दर्ज हैं। मर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उत्तर प्रदेश में 15 मामले दर्ज हैं। वहीं हाल ही में मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इस कैबिनेट की भी बात करें तो कैबिनेट में 42% मंत्री दागी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। इनमें से 4 पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामला भी दर्ज है। इसके अलावा 90% मंत्री करोड़पति हैं। 4 मंत्रियों की संपत्ति 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, नारायण तातुराणे और राजीव चंद्रशेखर। हमारी कैबिनेट से लेकर हर जगह दागी नेताओं की भरमार है। कोर्ट का फैसला क्या दागी नेताओं से मुक्ति दिलाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ये दाग कोई किसी डिटर्जेंट पाउडर के ऐड की तरह नहीं है जो धुल जाएगा। खैर, अब हम शो के आखिर में आ गए हैं और रोज की तरह पूछेंगे आपसे आज का सवाल, लेकिन उससे पहले कल पूछे गए सवाल का जवाब दे देते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो इसका जवाब है कोर्ट। न्यायालय ही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वही हमारा आज का सवाल है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई है। आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइए। बाकी इसका जवाब हम अपने कल के शो में देंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।